हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो भैया यहाँ पर हम लोग एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बेबी टूर्नामेंट गाइस। तो बेबी टूर्नामेंट की एक बार डेफिनेशन ध्यान से सुन लो गाइस। व्हाट इज़ बेबी टूर्नामेंट? सो बेबी टूर्नामेंट के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा जब आप पार्टिसिपेट करोगे। जब आप डिस्कॉर्ड में जाओगे तो वहाँ सब कुछ आपको चल जाएगा पता, लिस्ट चल जाएगी पता गाइस कि क्या क्या पोकेमॉन यूज़ कर सकते हो और क्या क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेबी पोकेमॉन्स वो पोकेमॉन होते हैं जो पोकेमॉन का फर्स्ट एवोल्यूशन, मतलब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे पीचू हो गया, बल्बासोर हो गया, चार्मेंडर हो गया, टोगोपी हो गया गाइस। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं जो कि मतलब एक फर्स्ट स्टेज वाले पोकेमॉन्स होते हैं, उनको लेंगे गाइस। तो बेबी में तो और भी पोकेमॉन्स आते हैं, तो जितने भी होंगे वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो ये टूर्नामेंट टोटली आरजे कंडक्ट कर रहे हैं गाइस, तो टोटली आरजे कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी टूर्नामेंट आपके मतलब उस जगह एंट्री होने के बाद से लेके वहाँ से निकलने तक की जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो टोटली आरजे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ मैं बना रहा हूँ, बाकी जो भी क्यूरीज होगी टोटली आरजे बताएगा। जो भी उसका डिसीजन होगा वो डिसीजन मान्य होगा। अगर वो किसी को डिसक्वालीफाई करता है तो वो डिसक्वालीफाई लास्ट डिसक्वालीफाई होगा। और गाइज इस टूर्नामेंट में बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज्वाइन करने के बाद पता चल जाएगी, और जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग पूछ लेना, और जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है गाइस, ठीक है। पहले भी हम लोगों ने काफ़ी टूर्नामेंट किए तो उसके बेस पे है। तो अब बात करते हैं रिवॉर्ड्स, अगर टूर्नामेंट के रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं गाइस। तो अगर आप फर्स्ट पोजिशन पर आते हैं गाइस, तो आपको मिलेंगे 2 रिमोट रेड पास। आपको मिलने वाले सिंपली 2 रिमोट रेड पास, और आपको साथ में मिलेगी मेम्बरशिप। सो गाइस ये जो मेम्बरशिप है ये एक ऑप्शनल है गाइस, अगर आपको लेना है तो ठीक है, अगर नहीं लेना है तो ये चीज़ कट जाएगी वहाँ से, और इसके जगह पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ 2 रिमोट रेड पास मिल जाएंगे। तो मेंबरशिप का सीन ये है गाइस कि अगर आपको मेंबरशिप लेनी है तो आपको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं जीतने के बाद मैं आपको 2 रिमोट रेड पास दे दूँगा, अगर आपको मेंबरशिप भी चाहिए तो आप मेंबरशिप अपने रुपये से ले लेना, उसके बाद मैं आपको वो रुपये रिफंड कर दूँगा। और जैसे कि बेबी टूर्नामेंट है तो बेबी वाली मेंबरशिप फ्री है, ठीक है, आपको सिर्फ बेबी मेंबरशिप की चीज़ मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड विनर को क्या है गाइस, 1 रिमोट रेड पास मिलेगा और मेंबरशिप, ये भी ऑप्शनल है। और थर्ड विनर जो है वो मतलब थर्ड विनर हम लोग सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं, है नहीं, अगर थर्ड विनर कोई थर्ड आता है तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकता है। तो अगर वो मेंबरशिप ले लेगा उसके बाद वो क्लेम कर सकता है कि भाई मैंने मेंबरशिप ली है, आप मुझे रिफंड कर दो। तो बेबी टूर्नामेंट चल रहा है तो बेबी वाली जो मेंबरशिप है वो फ्री है, ठीक है, सिर्फ टॉप 3 के लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज, कुछ ऑफर्स हैं यहाँ पर। तो गाइज जो लोग मेंबर्स हैं चैनल के, तो मेंबर्स लोगों के लिए क्या है गाइज, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। मतलब ये वाइल्ड कार्ड एंट्री सिर्फ स्टेज 1 के लिए है गाइज, ठीक है। तो गाइज जो स्टेज 1 होगा तो मेंबर्स सीधे स्टेज 2 में पहले ही क्वालिफाई हो जाएंगे, सिर्फ मेंबर्स क्वालिफाई होंगे गाइज, बाकी सबको स्टेज 1 पार करनी पड़ेगी। और क्वालिफायर्स के लिए क्या है गाइज, जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको मिलने वाला है एक रेड बैटल, मतलब एक इन्विटेशन मिलेगा गाइज। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट में और आप क्वालिफाई जाते हैं तो आपको मिलेगी एक रेड बैटल, मिलेगी फ्री ऑफ, मतलब जिसमें कि आपको इन्विटेशन मिलेगा, आपके पास सिर्फ रिमोट रेड पास होना चाहिए, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये समझना है तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट मैं ये कह रहा हूँ जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे वो लोग को एक इनविटेशन मिलेगा बस। तो गाइस अब बात आती है दिमाग में, क्वालिफायर है कौन, तो हु इज़ क्वालिफायर्स। क्वालीफ्लावर मत समझना बिल्कुल ही, पत्ता गोभी फूल गोभी की बात नहीं चल रही है। क्वालिफायर्स वो लोग होंगे जो लोग स्टेज 1 क्वालिफाई कर देंगे। सो गाइस स्टेज 1 में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ गाइस। स्टेज 1 में वेरीफिकेशन होगा गाइस, कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब कोई एक बंदा दो आईडी से तो नहीं खेल रहा, ये सब चीज़ें वेरीफाई होंगी। और स्टेज 1 में बैटल होगी, और वो बैटल अगर आप जीत जाते हैं तो आप स्टेज 2 पहुंच जाएंगे। तो स्टेज 1 में क्या क्या चीज़ें होने वाली है बता दूंगा आपको मैं। तो स्टेज 1 की क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, मतलब ये वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना अपना ट्रेनर कोड और अपना यूज़र नेम आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें कमेंट करनी है, बाकी हाय हेलो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में, फर्स्ट सेकंड कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है गाइस। इसमें सिर्फ वो ये कमेंट करना है अपना
यूज़र नेम और ट्रेनर कोड कमेंट करना है, ठीक है। और ब्रो इनका स्क्रीनशॉट लेना है गाइस, ये सब चीज़ें करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और वो स्क्रीनशॉट आपको टोटली आरजे वाले डिस्कॉर्ड में जब मांगा जाएगा तब देना पड़ेगा गाइस, उसको आप रख लेना। तो लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो और कमेंट करोगे तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले सकते हो। शेयर वाले में सीन ये है कि आपको ये वीडियो किसी ऐसे ग्रुप में शेयर करनी जहाँ पर लोग पोकेमोन गो खेलते हैं, सिर्फ वहीं करना, ऐसे कहीं नहीं, मामा चाचा ताऊ के पास शेयर मत कर देना, ठीक है। तो गाइज अब बात करते हैं आगे की। तो जो मैंने इस वीडियो में बोला है ये कोई फाइनल बात नहीं बोली है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं गाइज, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपका टूर्नामेंट कैसे होगा ये सारी बातें आपको हम लोग बाद में अपडेट करेंगे गाइज, क्योंकि अभी ये वीडियो आई है इसके बाद एंट्री शुरू होगी, और ये एंट्री लगभग मतलब टोटली आरजे के ऊपर है, वो कब तक एंट्री करेगा गाइस, कब तक फुल करेगा, तो जल्दी फुल हो जाएगी लिस्ट, तो फटाफट से कोशिश करो ज्वाइन करने की। ज्वाइन करने के बाद डिस्कॉर्ड ज्वाइन होने के बाद गाइस ये होगा कि वहाँ पर सब कुछ लिखा होगा ऑलरेडी, अभी आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे अभी वहाँ कुछ नहीं लिखा होगा, अभी सिर्फ आपकी एंट्री होगी, बाद में जब आप नेक्स्ट कल सुबह उठेंगे तो वहाँ सब कुछ फिल हो चुका होगा, क्या रूल्स हैं, क्या रिवॉर्ड हैं, क्या फाउल्स हैं, सब कुछ वहाँ पर होगा गाइस। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस पढ़ना आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गाइस, और बेबी पोकेमोन से तो सिर्फ बेबी पोकेमोन यूज़ करेंगे। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग, एंड गाइज मेरी बस ये है कि आप लोग सब पार्टिसिपेट करें, जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना मज़ा आएगा। रिवॉर्ड्स की तरफ मत जाओ, रिवॉर्ड्स छोटा बड़ा ये मत सोचो, मेन चीज़ है गाइज हम लोग का जो कम्युनिकेशन वो बढ़ेगा गाइज। फटाफट से डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टूर्नामेंट का जो डिस्कॉर्ड है उसका भी लिंक है, और जो हमारा प्राइम डिस्कॉर्ड है उसका भी लिंक है, तो दोनों डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो फटाफट से। इंस्टा उंस्टा सारे लिंक है मेरे, वहाँ पर फॉलो करना, उधर भी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका आपके लिए अवेलेबल है गाइज। सो गाइज थैंक यू वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।